छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़ा की एक पहाड़ी पर एक महिला की अधजली लाश मिली है। महिला की लाश गांव की चांदी पहाड़ी के ऊपर मिली। ये वही गांव है जहां से कुछ दूरी पर बागेश्वर धाम का बालाजी मंदिर स्थित है। इसी गांव की पहाड़ी के ऊपर एक महिला की अधजली लाश सुबह के समय देखी गई। जब स्थानीय लोग यहां पहुंचे तो महिला की लाश अधजली हालत में पड़ी थी। यहां पर कुछ माचिस की सीकें और एक बोतल भी पड़ी थी। महिला की लाश के जलने की खबर पुलिस तक पहुंची तो खुद पुलिस अधीक्षक अगम जैन और एसडीओपी सलिल शर्मा सहित थाना प्रभारी ने घटना स्थल का दौरा किया। इस मामले के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, वैज्ञानिक सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। मामले को लेकर कई तरह की थ्योरी और आशंकाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस मामले में नरबलि की आशंका हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि चूंकि बागेश्वर धाम पर देश भर के बीमार लोगों को लाया जाता है, किसी महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने इसे चुपचाप जला दिया होगा। वहीं कुछ लोग इस मामले को हत्या से भी जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर छतरपुर पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। सुनिए इस मामले में पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने क्या कहा। ग्राम गढ़ा के पास पहाड़ी पे एक बॉडी मिली है महिला की, और तत्काल ही हमारी टीम एसडीओपी साहब, मैं खुद भी स्पॉट पर गए थे और वहाँ पर पूरा विश्लेषण किया है। एफएसएल की टीम भी वहाँ पर आई थी। फिलहाल मर्ग कायम किया गया है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पर भी और आसपास भी पूछताछ करके सभी लोगों से। तो इस आधार पर अग्रिम जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। कैसी हालत में मिली थी डेड बॉडी, कहाँ पर मिली? पहाड़ी के ऊपर डेड बॉडी मिली है और अधजली हालत में है और उसकी पूरी जांच की जा रही है। महिला की पहचान हुई? फिलहाल पहचान नहीं हुई है, लेकिन जल्दी हम उसको शिनाख्ती कर लेंगे।